Hello dear student, welcome back to your own YouTube channel NIO's Vision Point. और मैं हूँ आपके साथ आपकी केमिस्ट्री मेंटर कीर्ति मैम. तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे. तो इससे पहले हमने चैप्टर 1 डिस्कस किया था. आई होप उन सारे वीडियोस को आपने बहुत ही अच्छे से देखा होगा, साथ ही साथ नोट डाउन कर लिया होगा. अब आप भी अपना कॉपी पेन उठाइए और हमारे साथ जुड़ जाइए एक अच्छे तरीके से तैयारी करने के लिए. तो चलिए आज हम क्या डिस्कस करेंगे. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे NIOS का सीनियर सेकेंडरी लेवल का कोर्स जो है आपके केमिस्ट्री में. तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर. यस, ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है ये आपके मॉड्यूल सेकंड का सेकंड चैप्टर है. ठीक है, ये आपके मॉड्यूल सेकंड का चैप्टर है जो आपका PE के लिए इम्पॉर्टेंट है, पब्लिक एग्जामिनेशन में आने वाला है. तो फोकस करके आपके NIOS के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आपका प्रेजेंटेशन है, तो इसको ज़रूर अपने कॉपी में नोट करिए. तो चलिए लेक्चर 1 स्टार्ट करते हैं. तो आज क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा कि आप जो हमारे साथ जुड़े हैं उसमें आप क्या क्या सीखेंगे. तो देखिए, पिछले टर्न पर हमने जब बात की थी तो हमने जो स्टार्ट किया था चैप्टर वो हमने एटम मॉलिक्यूल्स और केमिकल एरिथमेटिक्स समझा था. तो हमने बेसिक आइडिया लिया था ये डाल्टन ने क्या दिया था. तो उसे थियोरी के थोड़ा सा हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे सो दैट हमारी कंटिन्यूटी जो है वो बरकरार रहे और हम चीजों को केमिस्ट्री में और सिंप्लीफाइड तरीके से समझ पाए. फिर हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और कुछ इनसे रिलेटेड चीजें इन्हें किसने डिस्कवर किया था, ये सारी बातें रहेंगी. बाद में हम मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है और डिफरेंट स्पीशीज बेस्ड अपॉन आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे हम देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले यस, हम स्टार्ट कर रहे हैं किससे, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से ही. तो ये हमारे डाल्टन सर थे, इन्होंने सबसे पहले दुनिया को एटम का कॉन्सेप्ट बताया था कि एटम क्या है और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इनकी थ्योरी थी. ये हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है और आपने यहाँ पे भी देखा कि उन्होंने कहा कि मैटर जो है वो क्या है, इनडिविजिबल एटम से मिलकर बना है. और उन्होंने बहुत सारी अपनी पोस्टुलेट्स दी थी, लाइक फॉर एग्जाम्पल कि आइडेंटिकल मास होंगे जो एटम्स होगा उसका, फिर बाद में केमिकल एलिमेंट डिफरेंट होंगे तो उनके डिफरेंट एटम्स होंगे और साथ में क्या है, इंडेस्ट्रक्टिबल. ये वाली इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कनेक्ट करना है. क्यों? क्योंकि इन्होंने ये जो बात कही थी कि ये इंडेस्ट्रक्टिबल है या इनडिविजिबल है, यही बात आगे जाके जो उनके आने वाले साइंटिस्ट थे उन्होंने इस चीज़ को गलत प्रूव किया और तब जाके ये जो थ्योरी है डाल्टन की, जो बेसिक थ्योरी थी, वो वहाँ पे फेल हो गई. तो आपने रीज़न भी जान लिया कि किस वजह से फेल हो गई है. तो अब चलिए डिस्कस करते हैं हमारे मेन जो टॉपिक है, जो मेन स्टार्टिंग है, जो आपको समझना है वो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स. क्या कहेंगे बच्चों हम लोग, सब एटॉमिक पार्टिकल्स. तो वर्ड जो लग रहा है यहां पे क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल. क्यों कहा हमने सब एटॉमिक पार्टिकल, कुछ और नाम दे देते. तो बच्चों जैसा कि डाल्टन ने कहा था कि एटम है, उन्होंने एटम तो बोल दिया था. अब ये जो पार्टिकल्स मिल रहे हैं ये क्या है, एटम्स के अंदर मिल रहे हैं, तो इसीलिए इनको क्या कहा गया है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स. या दूसरा नाम जो दिया गया है वो है फंडामेंटल पार्टिकल्स. फंडामेंटल पार्टिकल्स यानी कि ऐसा जैसे आपका सेल जो होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक फंडामेंटल पार्ट है, यानी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक यूनिट है वो क्या होगा, एटम सेल होगा. वैसे ही आपका यहाँ पे सब एटॉमिक पार्टिकल जो है ये फंडामेंटल पार्टिकल्स है, ये हर एटम के अंदर होंगे आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. तो बात करते हैं सबसे पहला जो फंडामेंटल पार्टिकल है जो आपको ध्यान देना है यहाँ पे, वो है आपका इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी किसने, की थी इसकी डिस्कवरी की थी जे जे थॉम्सन ने. किसने किया था बच्चों, जे जे थॉम्सन ने. इन्होंने कैसे किया था इसको, इन्होंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था. ठीक है, कैथोड रे या इसे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं. और ये आपको दिख रहा होगा ये डिस्चार्ज ट्यूब है, ये बच्चों है क्या, ये है आपका डिस्चार्ज ट्यूब. ठीक है, तो इसके थ्रू उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है. जैसे कि वो भी क्या है, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उन्होंने देखा कि जो बिजली कड़कती है, ठीक है, तो उसी को कॉन्सेप्ट लेके उन्होंने यहाँ पे इस डिस्चार्ज ट्यूब में जो विलियम क्रूक ने बताया था उस डिस्चार्ज ट्यूब को यूज़ करके इन्होंने किसकी डिस्कवरी कर दी बच्चों, इन्होंने डिस्कवर कर दिया इलेक्ट्रॉन्स के. ठीक है, किसकी डिस्कवर कर दी, इलेक्ट्रॉन्स की. तो मेन बात जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है वो ये है कि कैथोड रे जो वर्ड आता है ये किसके लिए स्पेसिफाई होता है, ये होता है आपके इलेक्ट्रॉन्स के लिए. और इसकी डिस्कवरी किसने की थी, बाय जे जे थॉम्सन.
ठीक है, और इसका नेम क्या दिया गया था, इसको इसका नाम जो इलेक्ट्रॉन वर्ड यूज किया था, कॉइन किया गया था, वो स्टोनी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में ध्यान रखना है वो क्या है कि वो नेगेटिव चार्ज है। उस पर चार्ज कैसा है ये पता चला कि वो चार्ज पार्टिकल है और उस पर चार्ज जो है वो क्या है, नेगेटिव है। दूसरी बात, वो जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज, उसकी वैल्यू कितनी है, तो उसकी वैल्यू है बच्चे 1.6 माइनस इंटू 10^-19 कूलम, इतना चार्ज है इस इलेक्ट्रॉन पे। तो ये जो चार्ज है ये किसने बताया था, ये मिलिकन ऑयल एक्सपेरिमेंट के द्वारा आपको इस चार्ज की वैल्यू पता चली थी। तो ये हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया, क्या इसकी इंपॉर्टेंट बात है। बात करते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी जो आपको ध्यान देना है वो क्या है, 9.1 × 10^-31 kg। कैन यू इमेजिन कितना थोड़ा सा इसका मास है, 10^-31 है, तो बहुत ही कम मास है। तो इसका अगर हम AMU में देखते हैं मास, तो हम नेग्लिजिबल जीरो मानते हैं। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट क्या था, इसमें क्या था, सबसे पहले क्या था, इस डिस्चार्ज ट्यूब में बहुत ही हाई वोल्टेज का बैटरी लगा हुआ था। ठीक है, बाद में ये जो डिस्चार्ज ट्यूब था इसके अंदर वेरी लेस प्रेशर पे, बहुत ही लो प्रेशर पे आपका गैस इसमें फिल्ड था, और जैसे ये कनेक्शन हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पे एक बिजली जैसे स्पार्क करती है ना, वैसे यहाँ पे स्पार्क किया, और जे थॉमसन ने क्या किया था, यहाँ पे लगा दिया था एक स्क्रीन लगा दी थी, जिससे पता चल गया कि यहाँ से आपकी लाइट क्या है, निकल के आ रही है, और वो हिट कर रही थी, तो वहाँ पे क्या हो रही थी, चमक आ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपको हिट किया था तो यहाँ पे ग्लो हो रहा था, तो इससे ये पता चला कि यस, जो लाइट स्पार्क कर रही है वो आपका क्या है, कैथोड से निकल के जा रही है। तो इससे क्या पता चला कि ये रे जो है ये क्या है, इनको क्या कहा गया, कैथोड रे कहा गया। ठीक है, बाद में प्लेट्स वगैरह लगा के, जैसे अगर आप पॉजिटिव प्लेट्स लगाओगे और यहाँ पे नेगेटिव प्लेट्स लगाओगे, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई चीज़ जा रही है, अगर वो पॉजिटिव की तरफ बेंड हो रही है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका नेचर क्या होगा, अपोजिट होगा। तो इससे ये इन्फ्रेंस आया कि यस, जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये सारी बेसिक इंपॉर्टेंस जो आपके इलेक्ट्रॉन के बारे में है, वो आपको जो ध्यान देना है वो यहाँ पे है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट एटॉमिक पार्टिकल। तो यहां पे क्या हुआ कि जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, तो वैसे ही आपके जे थॉमसन की जो बात थी, उन्होंने दुनिया को बताया कि नहीं, एटम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन भी पाया जाता है, तो डाल्टन जी का थ्योरी जो उन्होंने दिया था वो क्या हो गई, फेल हो गया। अब देखते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस, कैथोड रेस जो थे उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज थी। तो अभी मैंने आपको बस ऐसे डिस्कस किया था, पर अभी जो बताया गया है वो उसको हम ध्यान देते हैं। पहली बात क्या कि जो आपका कैथोड रे है, ठीक है, वो कहाँ से फ्लो करेगा, कैथोड से एनोड की तरफ मूव करेगा। ठीक है, कैथोड आपका क्या था, नेगेटिव, और नेगेटिव से पॉजिटिव यानी कि एनोड की तरफ मूव कर रहा है, वो भी स्ट्रेट लाइन में। दूसरी बात क्या है, दे कॉज अ ग्रीनिश येलो फ्लोरेसेंस ऑन अ सोडा ग्लास स्क्रीन। जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाई थी, जो मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाई थी, तो जब रेस यहाँ से आके हिट कर रही थी, तो वो हिट कर रही थी इस पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा था बच्चों, यहाँ पे ग्लो हो रहा था, जिससे पता चल रहा था कि यस, जो लाइट आ रही है वो कहाँ से आ रही है, आपके कैथोड से एनोड की तरफ आ रही है, एनोड से कैथोड की तरफ नहीं जा रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट अगर हम ध्यान दें तो वो क्या है कि दे आर इफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, जो मैंने अभी आपके साथ बात डिस्कस की थी वो यही तो की थी कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस यानी कि रखते हो, प्लेट्स लगाते हो, तो बीइंग अ नेगेटिव चार्ज वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, और अपने जो जिस पाथ को, स्ट्रेट लाइन को फॉलो करा था, उससे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। दिस शो दैट दे कैरी अ नेगेटिव चार्ज। इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये बात पता चली कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज। इन पॉइंट्स को जरूर अपने दिमाग में भी नोट करते जाइएगा, साथ साथ अपने नोट्स भी बनाते जाइएगा, ताकि जब भी आप इस चीज़ को रिवाइज करते हो तो चीज़ें आपको याद रहेंगी, और बेहतर तरीके से आप अपने नोट्स को और आंसर को प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि व्हेन अ बीम ऑफ कैथोड रे इज मेड टू फॉल अपॉन अ हार्ड मेटालिक टारगेट लाइक टंगस्टन, यानी हैवी मेटल के ऊपर अगर इसको इंसिडेंट करवाया गया तो क्या रेस प्रोड्यूस हुई, तो इससे हमारा एक्सरेज भी प्रोड्यूस होता था। तो ये भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था जो हमें यहाँ से पता चला अबाउट द कैथोड रे, इसको CRT भी कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात, दे पेनिट्रेट द मैटर एंड दे कॉज आयनाइजेशन ऑफ गैस थ्रू विच दे पास। इसके साथ साथ ये भी पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन है
वो क्या है उसकी पेनिट्रेशन, यानी कि अगर आपने यहाँ पे मेटल या कुछ भी रखा है, कोई भी मैटर का पीस रखा है, तो उसको ये क्या कर सकती है, पेनिट्रेट, उसको छेदते हुए निकल के चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द रेशियो ऑफ चार्जेस टू मास। ठीक है, चार्ज और मास का जो रेशियो है वो कितना आ रहा था, वो बच्चे इतना आ रहा था। वेरी इंपॉर्टेंट इन्फ्रेंस जो जे जे थॉम्सन ने निकाला था और बताया था कि चार्ज टू मास रेशियो जो है दैट इज 1.76 × 10^11 कूलम पर केजी है। ठीक है, तो ये बाद में हमें हेल्प किया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्रिडिक्ट करने के लिए। तीसरी और लास्ट बात क्या है कि दे प्रोड्यूस द शैडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट प्लेस ऑन देयर पाथ। तो इसका मतलब ये है कि ये शैडो कास्ट कर रहे थे जब इसके पाथ में हमने क्या है कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट को रखा। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी जो कैथोड रे जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसके थ्रू हमें पता चला, जो जे जे थॉम्सन का एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट था। तो इन सारे बातों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप आपने इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे जान लिया है, समझ लिया है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट सब एटॉमिक पार्ट। बोलते हैं ना, साइंटिस्ट कभी रेस्ट नहीं करता, वो कुछ ना कुछ करता ही रहता है, कुछ ना कुछ खोजता ही रहता है। तो नेक्स्ट हमारी जो डिस्कवरी हुई है सब एटॉमिक पार्टिकल की, जो आपको फंडामेंटल पार्टिकल याद रखना है, वो क्या है, प्रोटॉन की। ठीक है, किसकी याद रखनी है, प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन में क्या हुआ था, प्रोटॉन भी कैसे डिस्कवर हुआ था, प्रोटॉन पे काम किसने किया था। तो प्रोटॉन जो है इस पे काम जो जिसने किया था वो क्या था, उनका नाम था ई गोल्डस्टीन। ई गोल्डस्टीन इस पे बहुत काम कर रहे थे। इन्होंने भी वही सेम लॉजिक लगाया जो डिस्चार्ज ट्यूब का था। इन्होंने कहा कि अगर हम परफोरेटेड यानी छेदीले वाले अगर हमने कैथोड को रखा है जिसमें छेद हैं, होल हैं, तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि हाँ यहाँ से, जैसे अगर हमने बात की जे जे थॉम्सन इफेक्ट में कि हमारा जो है रेज जो है नेगेटिव रे इधर से जा रही है, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से पॉजिटिव रे भी कुछ ना कुछ निकल रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कैथोड रे के साइड में एक आपका फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दिया, और ही वॉज राइट, यस वहाँ पे कुछ ऐसी रेस थी जो बैक जा रही थी। यानी कि इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि यहाँ पे कुछ रेस है जो एनोड से क्या हो रही हैं, कैथोड की तरफ मूव कर रही। तो इसे क्या कहा गया, एनोड रेस भी कहा जाता है प्रोटॉन को। और दूसरी बात क्या है, क्योंकि ये कैनाल के थ्रू, ये जो होल है ये एक कैनाल की तरह काम कर रहा था, तो इसको कैनाल रेस भी आप इस नाम से जानते हो। बट ट्विस्ट यहाँ पे ये है कि बच्चे, जो प्रोटॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट जो जाता है, वो जाता है आपके रदरफोर्ड को। ठीक है, तो क्या याद रखना है कि प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड, हु प्रूव दैट द न्यूक्लियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल द एटम्स इन द ईयर 1917। तो डिस्कवरी का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है किसको, वो जाता है अर्नेस्ट रदरफोर्ड को। पर आपके गोल्डस्टीन थे, उन्होंने भी इस पर बहुत बेहतर काम किया था। ठीक है, बैक टू इट, हम बात करते हैं जो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको दोनों ही नाम याद रखना है आइदर वे आउट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रोटॉन के बारे में और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, वो क्या है, इट इज़ द थ्री मेन पार्टिकल्स दैट मेक अप द एटम। एटम के जो तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनमें से एक फंडामेंटल पार्टिकल है। और जो प्रोटॉन है, इट इज़ फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। किसमें मिलता है, ये आपको मिलता है न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला ये सब एटॉमिक पार्टिकल है। और ये क्या है, बहुत ही छोटा है, डेंस रीजन एट द सेंटर ऑफ द एटम। ऑब्वियसली बात है, न्यूक्लियस के अंदर है। तो अभी हम बात करेंगे कुछ मॉडल्स की, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों इसको डेंस कहा गया। ठीक है, दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव था, तो इस पे चार्ज कैसा है, इस पे चार्ज है पॉजिटिव है। और उसकी अगर हम वैल्यू देखें, ठीक है, अगर आप वैल्यू देखोगे प्रोटॉन पे जो चार्ज की, वो कितनी हो जाएगी, +1.6 × 10^-19 कूलम। ये क्या है, आपके प्रोटॉन पे ये चार्ज है। ठीक है, वेट की बात करें कि इसका मास क्या है, तो इसका मास आपका नियरली कितना है, 1.67 × 10^-27 kg। ठीक है, -27 आपका ये क्या हो जाएगा, केजी में हो जाएगा। तो ये सारी बात थी जो आपको प्रोटॉन के बारे में यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, अब आते हैं तीसरे फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में, जो है आपका न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो थी,
ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. इसमें क्या है, इसने जिसने डिस्कवर किया है वो कौन थे, आपके जेम्स चैडविक. ठीक है, 1932 में सबसे लास्ट में आपका जो पार्टिकल डिस्कवर हुआ वो था क्या, न्यूट्रॉन. पहले इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज डिस्कवर हो ही चुका था, फिर पॉजिटिव हो गया, बच गया, अब कोई चार्ज इनको मिला नहीं, तो इन्होंने बोला इसके ऊपर न्यूट्रल चार्ज है. ऐसे बोल नहीं दिया था क्योंकि इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया था. ठीक है, तो इन्होंने क्या देखा कि ये जो न्यूट्रॉन है इसका मास लगभग आपके प्रोटॉन के बराबर है. लगभग मैं कह रही हूँ कि रिलेटिवली आपके क्या है, प्रोटॉन के बराबर है. तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया. व्हाट ही डिड कि इन्होंने अल्फा पार्टिकल, ठीक है, अल्फा पार्टिकल यानी हीलियम का 2+ चार्ज इन्होंने क्या किया, बम्बार्ड किया. ठीक है, किस पे बम्बार्ड किया इन्होंने, यहाँ पे बेरिलियम, ये बेरिलियम का प्लेट लगाया था उस पे इन्होंने बम्बार्ड किया. ठीक है, तो क्या हुआ, जब इसने बम्बार्ड किया, अल्फा पार्टिकल्स निकले तो उन्होंने हिट किया, तो यहाँ से कुछ पार्टिकल निकले. ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने पहले डिटेक्टर यहाँ पे लगाया था, डिटेक्टर यहाँ पे था, तो वो डिटेक्टर ये डिटेक्ट कर रहा था कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो वो कुछ डिटेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि इसका कोई चार्ज ही नहीं था. तो यहाँ से इन्फ्रेंस उनको ये मिला कि यस, जो भी वो चीज़ है उस पर क्या कोई भी चार्ज नहीं है, तो उसको क्या कहा गया, न्यूट्रल कहा, और वहीं से आपका बना क्या, न्यूट्रॉन. तो बाद में इन्होंने यहाँ पे एक पैराफिन वैक्स का, ठीक है, पैराफिन लगा दिए, वैक्स की प्लेट लगा दी. तो क्या देखा इन्होंने कि ये जो न्यूट्रॉन है, ये जो पार्टिकल्स यहाँ से निकल रहा था, जब अल्फा रेस यहाँ से आई और बेरिलियम प्लेट पे निकली, तो ये हिट करके यहाँ पे जो पैराफिन का या वैक्स का जो प्लेट था उससे क्या है, प्रोटॉन्स निकाल दिया. ठीक है, तो इससे इन्होंने ये भी इन्फ्रेंस लाया कि यस, जो पार्टिकल यहाँ पे हिट कर रहा है वो तो न्यूट्रल चार्ज है, बट इसके साथ साथ जो इसका मास है वो कंपैरेटिवली आपके न्यूट्रॉन के ही आसपास का है, तभी तो वो न्यूट्रॉन को निकाल पाया. तो इसी के थ्रू आपका क्या है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई. और ये एक आपका क्या है, इक्वेशन है जो आप देख सकते हो. तो इसमें आपका क्या है, न्यूट्रॉन यहाँ पे निकला, इसको सही कर लेते हैं, ये आपका क्या है, न्यूट्रॉन, ठीक है, 0 और 1, न्यूट्रॉन यहाँ पे निकला कार्बन का, और यहाँ पे क्या हुआ, न्यूट्रॉन यहाँ पे निकल गया. तो दिस इज़ हाउ कि आपका जेम्स चैडविक को न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का श्रेय जाता है. ठीक है, अब हमने जो पढ़ा है उसको थोड़ा सा टेबल के फॉर्म में अपने दिमाग में भी हम लोगों को फिट करना है, जो मेन मेन आपको बात रखना है. ठीक है, तो इसको याद कैसे कर सकते हो, इसको आप निमोनिक से याद कर सकते हो कि ईट पर नाच. ठीक है, कैसे याद कर सकते हो, ईट पे नाच. ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ईट पर नाच. ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हो कि अगर आपके पास कोई MCQ क्वेश्चन होगा तो आप आसानी से उसको क्या कर सकते हो, नेल्ड आउट कर सकते हो. तो ईट का मतलब क्या है, ई से आपका क्या हो गया, यहाँ पे बच्चों ई से इलेक्ट्रॉन हो गया, टी से क्या हो गया, जे थॉम्सन हो गए. ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो डिस्कवर किया था वो थे आपके क्या, थॉम्सन. और पर से पी से क्या हो गया, प्रोटॉन हो गया. आर से कौन हो गया, रदरफोर्ड हो गए. और ना से क्या हो गया, न्यूट्रॉन. ठीक है, न्यूट्रल चार्ज हो गया. और छ से क्या हो जाएगा, चैडविक. तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो और आपका MCQ कभी गलत नहीं होगा. तो क्या ध्यान देना है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो E- और माइनस है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे P+ और न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल यानी उस पर कोई चार्ज नहीं है. नेक्स्ट जो चीज़ आपको ध्यान देना है, चार्ज की वैल्यू, तो वो मैंने अभी आपको डिस्कस किया है कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में माइनस लग जाता है, बाकी वैल्यू अगर आप मैग्नीट्यूड देखते हो तो वो वैल्यू क्या है, 1.6 × 10⁻¹⁹ है, वो तो सेम है. नेक्स्ट आते हैं मास पे, तो इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻³¹ है, और आपके प्रोटॉन का कितना है, 1.672 × 10⁻²⁷, और न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज़्यादा, 1.674 × 10⁻²⁷ है. तो नियरली थोड़ा सा आपका प्रोटॉन जो है वो क्या है, हल्का है, न्यूट्रॉन क्या है, भारी है. और इसी को अगर हम AMU में लिखते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में देखोगे, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो क्या है, आपका नेग्लिजिबल यानी 0 लेते हैं, प्रोटॉन का 1 और न्यूट्रॉन का भी मास क्या लिया जाता है, 1 लिया जाता है. ठीक है, तो दिस इज़ हाउ कि आप चीज़ों को कोरिलेट करके याद रखोगे, और मेन चीज़ जो आपका है ये टेबल से फॉर्मुलेट हो जाता है. ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होता है. ठीक है, तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास यानी कि एलिमेंट को कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे, तो उसके लिए आपके पास जो रिप्रेजेंट होता है वो क्या होता है कि आप कैसे सिंबल को दिखाते हो. तो सबसे पहले एक्स अगर आपका कोई भी एलिमेंट है, बताइए आप मुझे कि कितने एलिमेंट आप जानते हो अभी तक. तो आपके जो एलिमेंट अभी तक डिस्कवर हो गए हैं, दैट इज़ 118 एलिमेंट. 118 एलिमेंट्स को आप जानते हो, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सिंबल से. तो क्या करेंगे, एक्स से आपका कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ए
और जेड, यहाँ पे भी देखो एबीसीडी वाला आ गया ना, बोलते हैं ना पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाती, तो यहाँ पे आपको यूज़ क्या करना है, वही ए बी सी डी जेड, ठीक है, ए एक्स जेड। तो ए जो है ये आपका क्या है, मास नंबर है, ठीक है, मास के बारे में आपको बताएगा, और जेड जो है वो क्या बताएगा, एटॉमिक नंबर, कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर से आप क्या समझते हो, एटॉमिक नंबर का मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है। एटॉमिक नंबर से बच्चे हमेशा याद रखना कि हमें इससे क्या पता चलता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बारे में पता चलता है, ठीक है। अगर न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन के भी बराबर आप कह दोगे, पर मैं तो कहती हूँ कि आप प्रोटॉन को ही ध्यान रखना, तो इससे आप क्या कर सकते हो, आसानी से चीज़ों को कोरिलेट कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास जो स्पीशीज है, जो एग्जाम्पल है, वो क्या है, कार्बन का है, ठीक है। तो कार्बन, इसमें एटॉमिक नंबर यानी जेड क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, और ये जो ऊपर दिया है ये क्या है, ये इसका मास है, ठीक है। तो इससे एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको पता चलता है कि जो आपका जेड होता है वो तो बराबर होता है पी प्लस के, ठीक है, और जो आपका यहाँ पे ए, ये मास नंबर होता है, ये बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के, ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यू, यहीं से आप ये लिख सकते हो कि ए बराबर क्या होता है, जेड प्लस न्यूट्रॉन। तो अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि यहाँ पे मास ये लिखा हुआ है, तो आप बताओ कि न्यूट्रॉन कितना है, तो क्या कर देना है, सिंपली इन दोनों को माइनस कर दोगे, तो आप बता दोगे कि 6 यहाँ पे मैम न्यूट्रॉन है, कार्बन के अंदर कितने हैं, 6 न्यूट्रॉन है। तो इस तरह से अगर आपको ये रिलेशन ध्यान में है, तो आप आसानी से नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो अब मूव करते हैं, आई होप आपको बच्चे समझ में भी आ रहा होगा, और बहुत ही अच्छे से आप इसे नोट भी कर रहे होंगे, और डेली रेगुलर इसको क्या कर रहे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एटॉमिक स्पीशीज, यानी कि कुछ अगर इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो गया या न्यूट्रॉन में चेंज हो गया, तो उन सारे स्पीशीज को क्या करते हैं कि हमारे एनवायरमेंट में हमें मिलता है, ठीक है। तो पहले जो चीज़ है वो है आपका क्या है, आप पढ़ोगे, वो है आइसोटोप। आइसोटोप्स क्या होते हैं, इनको हम जानते हैं, ठीक है। तो आइसोटोप्स आपके ऐसे स्पीशीज होते हैं, ये जो आइसोटोप हैं ये आपके ऐसे स्पीशीज होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या होगा बच्चे, सेम होगा, ठीक है, क्या होगा, एटॉमिक नंबर सेम होगा। एटॉमिक नंबर सेम है, इसका मतलब क्या है कि इनका क्या सेम होगा, जेड या ए, तो दिल से आवाज़ निकलेगी क्या कि जेड इनका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि अभी भी हमने सीखा कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है, जेड होता है, ठीक है। बट डिफरेंट मास नंबर, यानी मास नंबर क्या हो जाएगा, ए। तो ये आप बोलते रहोगे तो आपको ये याद भी हो जाएगा, वरना कन्फ्यूज हो जाओगे ए और जेड क्या है, ठीक है। तो बात करते हैं आइसोटोप्स में, तो आइसोटोप्स में आपको क्या ध्यान देना है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा है जिसमें हाइड्रोजन का आइसोटोप है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, ठीक है, अगर 3 आइसोटोप है तो इनका एटॉमिक नंबर सबका क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, एटॉमिक नंबर इनका 1 होगा। और अगर हम इनकी मास की बात करें, ठीक है, मास नंबर की बात करें, तो यहां पे 1, यहां पे 2, और यहां पे क्या हो जाएगा, 3। तो वो आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है, तो हम सारी चीज़ें यहाँ पे निकाल सकते हैं, सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो आप क्या देखोगे कि अगर हम प्रोटॉन की बात करें, तो सब में प्रोटॉन क्या है आपके 1, 1, 1, और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सब क्या है, न्यूट्रल है, कोई चार्ज ही नहीं है, तो इस पर क्या है, सबके इलेक्ट्रॉन भी क्या है, 1, 1, 1। अगर हम बात करते हैं न्यूट्रॉन, तो क्या करना है, मैंने अभी अभी आपको बताया, इन दोनों को माइनस कर लीजिए, तो 1 में से 1 में गया कितना बचा, 0, 2 में से 1 गया हाउ मच, 1, 3 में से 1 गया 2। तो आपको यहाँ से पता चल जा रहा है कि ये वाला जो आइसोटोप है, इसमें क्या है, प्रोटॉन में इसमें क्या है, न्यूट्रॉन है ही नहीं, तो इसको, इस वाले को हम कहते हैं प्रोटियम, क्या कहा जाता है बच्चों, प्रोटियम, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल पी से। नेक्स्ट जो आइसोटोप है हाइड्रोजन का, जिसका मास क्या होता है, 2 होता है, और जिसमें न्यूट्रॉन 1 होता है, इसको कहते हैं ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, और ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से। और जो लास्ट है इसको कहते हैं ट्राइटियम, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से। तो मेन फोकस करने वाली बात क्या है, आइसोटोप का मतलब क्या होगा, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट को मूव करते हैं, जहाँ पे हमें आइसोबार के बारे में थोड़ा सा क्या करना है, डिस्कस करना है। तो आइसोबार में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि क्या होगा, मास नंबर सबका सेम होगा पर एटॉमिक नंबर अलग। अब बताओ बच्चे, अगर एटॉमिक नंबर अलग हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एलिमेंट भी क्या होंगे, दोनों एलिमेंट क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिया है, और आप फिगर के थ्रू भी देख सकते हो कि आपको क्या देखना है, इसमें आपको देखना है कि उनका मास जो होगा वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास आर्गन है और यहाँ पे
पोटेशियम है, ठीक है। तो आर्गन जो है वो 18 है और पोटेशियम जो है 19, और मास करें इसकी मास नंबर की तो दोनों की क्या है 40। तो ऐसे स्पीशीज जिनका मास नंबर सेम होता है, क्या याद रखना है, जिनका मास नंबर सेम होता है उसको हम कहते हैं आइसोबार स्पीशीज, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट तरह के स्पीशीज जिनको कहा जाता है आइसोटोन्स, ठीक है। तो आइसोटोन्स में क्या सेम होता है, तो आइसो का मतलब होता है सेम, टोन्स का मतलब यहाँ पे आ जाएगा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यस, वेरी करेक्ट। आपको क्या देखना है कि ऐसे स्पीशीज जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आइसोटोन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप आसानी से उसको निकाल सकते हो। तो अगर हम यहाँ पे जाएं तो हमने जो एग्जाम्पल लिया इसमें हमारे पास है 1, 3, क्या है बच्चों, ये ट्राइटियम, ठीक है। अभी अभी ये डिस्कस किया, और हमारे पास है एक हीलियम, हीलियम क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे 4, ठीक है। तो देखते हैं इसमें, तो अगर आप बात करते हो प्रोटॉन, तो इसमें प्रोटॉन क्या होगा 1, इसमें प्रोटॉन क्या हो जाएगा 2, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 2। बात करते हैं प्रोटॉन्स के बाद अब न्यूट्रॉन्स की, तो न्यूट्रॉन्स कैसे करोगे, 3 - 1 2 आ गया, और यहाँ पे 4 - 2 ये भी 2। तो आपने क्या देखा, ऐसे स्पीशीज जिसमें न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, आइसोटोन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपके तीसरे स्पीशीज, और चौथा और आखिरी स्पीशीज जो आज का लेक्चर का लास्ट टॉपिक है वो है हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। देखो नाम में ही पता है आधी चीज़ें आपको बता दी गई है, क्या बताया है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक यानी कि वैसे स्पीशीज जिनमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन सब सेम होंगे, ठीक है। क्या ध्यान देना है कि ऐसे स्पीशीज जिनके पास क्या है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है भैया, उसी को हम क्या कहेंगे कि वो हमारा कैसा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। तो इसमें क्या होगा कि अगर हम इस एग्जांपल को देख रहे हैं जो हमने यहाँ पे कंसिडर किया है, तो यहाँ पे आयंस आ जाएंगे, ठीक है। आयंस का मतलब क्या होगा, या फिर नेगेटिव चार्ज या फिर पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो हमारे पास एग्जाम्पल है इसको, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एन आयन, क्या कहा जाएगा, एन आयन। तो यहाँ पे बस आपको क्या देखना है, आपको चेक करना है कि ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं। तो देखिए कि क्या इसके इलेक्ट्रॉन सेम है सब में, तो यस, आपको क्या करना है, चेक करना है। तो सबसे पहले आपको पता क्या होना चाहिए, एटॉमिक नंबर। भाई एटॉमिक नंबर अगर आपको पता है तो आप आसानी से इस चीज़ को निकाल सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन है, 7 होता है, और ये क्या है, 3- लिखा हुआ है, ओ 2-, और ये क्या होता है, 8 होता है, और यहाँ पर फ्लोरिन जो कि आपका 9, और यहाँ पर क्या है, माइनस है, ठीक है। कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे देखो, अगर ये न्यूट्रल होता, बहुत अच्छे से और ध्यान से समझिएगा, अगर ये न्यूट्रल होता तो इसके पास इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो भी क्या होते, उतने ही होते जितना इसमें क्या है, प्रोटॉन है, यानी 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके, ठीक है। पर है क्या, इस पर 3- चार्ज है, अगर कोई एलिमेंट है उसने कोई इलेक्ट्रॉन लिया तभी तो उसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस पे 3 नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब कि 7 थे, 3 और ले लिए, तो कितने हो गए इस पे, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, हो गया कि नहीं। ऐसे ही ऑक्सीजन 8 है, 8 इलेक्ट्रॉन था, 2- चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन और इसने ले लिया, तो कितने हो गए भैया, यहाँ पे भी क्या हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। ऐसे सेम आपका फ्लोरिन था, 9 इलेक्ट्रॉन थे, पर इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन को और ले लिया, तो इस पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10। तो आपने क्या देखा, इन सब में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या इन तीनों स्पीशीज में वो सारे क्या हैं, बराबर हैं, यानी कि 10, 10, 10। तो यहाँ पे 10 का दम यहाँ पे दिख गया, और आपको क्या पता चल गया कि ऐसे स्पीशीज जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है उसी को आप क्या कहते हो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से जानते हो। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा और अच्छे से समझा होगा, और ये सारे क्या हैं, बेसिक है आपके केमिस्ट्री के, अगर आपने इसको समझ रखा तो आगे आने वाले चैप्टर्स और भी आपके आसान हो जाएंगे। तो NIS आपका एक बेहतरीन तरीका है जिससे आप क्या कर सकते हो, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो आप देख रहे थे NIS का चैनल, और अभी भी अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप इस पर आके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारी जो वेबसाइट है इसको विजिट कर सकते हैं फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। सो आज के लिए बस इतना, बाय बाय, टेक केयर।